जो जलंधर सिटी है, ये जलंधर सिटी को जलंधर नाम कहां से मिला? पंजाब में जलंधर सिटी शहर है। एक बार की बात, देव गुरु बृहस्पति और केले के पेड़ में बृहस्पति की पूजा क्यों होती है? एक बार देव गुरु बृहस्पति और इंद्र दोनों आपस में विचार कर रहे थे। जैसे इंद्र है देवताओं के राजा और बृहस्पति कौन है बताइए, कौन है? देवताओं के गुरु और वो है देवताओं के राजा। तो विचार कर रहे थे, इंद्र बोले कि हम देवताओं के राजा हैं, सब देवता तो हमको नमस्ते करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन शंकर जी भी तो देव हैं, तो हम तो उनके भी राजा हो गए, देवताओं के तो उनके भी राजा हैं। बृहस्पति बोले बात तो ठीक है, अब हम देवताओं के गुरु हैं तो हम तो शंकर जी के गुरु पहले से हैं, देवताओं के गुरु हैं, लेकिन हमें शंकर जी ने आज तक गुरु माना ही नहीं। इनको अभिमान हो गया अपने पद का, ये शंकर जी से प्रणाम कराने के चक्कर में, अपने पद का लाभ उठाने के चक्कर में दोनों ने एक राय बना ली गुरु चेला ने। बोले चलो देखा जाएगा, आज शिव जी से कहेंगे कि हम आपके राजा हैं तो हमको प्रणाम किया करो। बृहस्पति बोले हम कहेंगे हम आपके गुरु हैं, हमको प्रणाम किया करो। चलो चल दिया, चल दिए। शिव जान गए कि ये दोनों अभिमान बस आ रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि सब देव हैं लेकिन हम महादेव हैं। सब देव हैं शिव जी, महादेव हैं। इसलिए शिव जी ने बहुत विकराल अवधूत रूप धारण किया, दिगंबर बिना वस्त्र वाला, बाघंबर भी नहीं है, जटाएं हैं। उसी दिगंबर रूप के कारण बाद में दिगंबर परंपरा में जैन धर्म प्रारंभ हुआ, उसी जिसमें वस्त्र नहीं पहने जाते। दिगंबर यानी जैन समाज के जो प्रवर्तक होते हैं, जो उनके आचार्य वगैरह होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, उनकी वस्त्र दिशाएं होती हैं बिल्कुल नग्न अवस्था में। भगवान से बहुत अवग्रहदानी बनकर के खड़े हो गए। तभी कैलाश के किनारे पर खड़े उसको देखा तो सोचा कि कोई होगा, शिव जी का सुनते हैं, भूत प्रेत रहते हैं। तभी इंद्र ने कहा कौन है तू? भगवान से विचार करते हैं, इनको पद मिल गया है, छोटा हो या बड़ा सम्मान तो सबका करना चाहिए। प्रेम से ही पूछ लेते, भाई आप कौन हो, क्या भोलेनाथ यहाँ रहते हैं, इसके अभिमान चलना है, कौन है तू? अभिमान झलकता हुआ देख भगवान से कुछ नहीं बोले, ना तो क्रोधित हुए ना मुस्कुराए। तभी इंद्र ने कहा अरे जा अपने भोले से कह दे देवताओं के राजा आए हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं है, देवताओं के राजा ऐरावत पे और देवताओं के गुरु भी आए हैं, थोड़ा स्वागत सत्कार हो जाए। वो कुछ नहीं बोले। इंद्र ने कहा तू मुझे जानता नहीं है, महेंद्र मेरे पास वज्र है, अभी तुझे दंड दे दूंगा। भगवान कुछ नहीं बोले। अचानक इंद्र को क्रोध आया और क्रोध में भर करके इंद्र ने वो वज्र उठा शिव जी के ऊपर चला ही दिया। शिव जी के वज्र लगने से शिव जी को थोड़ा दर्द हुआ और जिससे उनकी आंख से आंसू निकले, और आंसू जब निकले वो नारद वहां पर देख रहे थे कि अगर जमीन पर गिर गए तो आज पृथ्वी में अग्नि लग जाएगी, स्वाहा हो जाएगी, क्या करें। दौड़े नारद जी ने उन्हें हाथों में रोक लिया, हाथों में लेकर के नारद जी ने उस जल को जो था नेत्र जल को समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते ही नील लोहित उसी पानी से एक सुंदर सा दिव्य बालक उत्पन्न हो गया। इधर नारद जी आए बोले इंद्र तुम्हारी मति मारी गई है, यही तो भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। उधर शिव जी ने क्रोध में भर कर कहा इंद्र तुझे पद मिल गया तो इतना ज्ञान नहीं कि सम्मान कैसे किया जाता है, बोला कैसे जाता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं तो अभी भस्म हो जाएगा। और हे बुद्धि मान बृहस्पति, विद्या विनय प्रदान करने वाली होती, जिसकी विद्या प्राप्त होती है वो विनम्र होता है,
विद्या ददात विनयम। और तुम विद्यावान होकर के तुमने ये विचार नहीं किया कि सर्वदेव और मैं महादेव मुझसे प्रणाम कराने आए। अरे मैंने ही तो तुमको उत्पन्न किया, अगर मैं तुम्हें विद्या नहीं देता तो बुद्धिमान नहीं बनते। सारा सुख तुम्हें मैंने दिया और तुम मुझसे प्रणाम कराना चाहते हो, अभिमानी हो गए हो। जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई, इसलिए तुम्हें भी श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में तुम वृक्ष बन जाओ। तभी इंद्र बृहस्पति ने चरण पकड़ लिए, महाराज हम लोगों से भूल हो गई है, हे दयालु हे कृपालु हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। आप तो दया निधान हो, करुणा निधान हो। इंद्र की आत्मा ने क्षमा मांगी तो शिवजी ने संजीवनी विद्या से इंद्र को अपना इंद्र बनाया और कहा, सुनो तुम्हारा राज्य चला जाएगा और वो राज्य हमारे आराध्य विष्णु भगवान की कृपा से मिलेगा। जब बामन अवतार लेंगे, राजा बलि को छल करके, फिर तुम्हें तुम्हारा राज्य दिला देंगे। और देवगुरु बृहस्पति, तुम तो पेड़ बनोगे। तो देवगुरु बोले, महाराज पेड़ बनेंगे, जिसको जरूरत होगी तुरंत लकड़ी काटने लगेगा, और पेड़ को भी दर्द होता है लकड़ी काटते समय, पेड़ को भी, पेड़ में भी प्राण होते हैं, पत्थर में भी होते हैं, मानो चाहे मत मानो, पत्थर भी बढ़ते रहते हैं, पेड़ में भी प्राण है और पत्थर में भी प्राण है। जिसको हम पत्थर बोलते हैं, इसमें प्राण है। जो प्राण वाला पत्थर होता है वो पानी में डाले वो बढ़ता रहेगा। अब तो भैया भगवान से दया कर गए, बोले जाओ तुम पेड़ बनोगे, तुम्हें अगर डर है लकड़ी का तो जाओ, तुम्हारे पेड़ में लकड़ी ही नहीं होगी। और तुम्हारा पेड़ जो बनेगा वो केले का पेड़ बनेगा, और तुम्हारे अंदर जो फल लगेगा वो फल मेरे नारायण को बहुत प्रिय होगा। तुम्हारा पेड़ में जो तुम्हारी पूजा करेगा उस पर तुम्हारी और विष्णु की कृपा हो जाएगी। जिसकी बृहस्पति ग्रह खराब होगी वो भले मंत्र जपे न जपे केले की पूजा कर ले तो मुझे शिव जी की कृपा और तुम्हारी कृपा से उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आप लोग सोचते होंगे बृहस्पति जिनकी खराब है केला का पूजन करो, क्यों करो? क्योंकि केला ही बृहस्पति है, श्राप मिला था ना। और ये भी दिया था वरदान कि तुम्हारे पेड़ में लकड़ी नहीं होगी तो केले में लकड़ी नहीं होती। केले की जब जरूरत होगी तो अच्छे काम में ही वो काम आएगा, जैसे भगवान सत्यनारायण की कथा में कि आप किसी शादी ब्याह में पहले केले का मंडप जैसे बनाया जाता था, स्वागत द्वार में जड़ सहित केला लगा करके। अब तो ये सब बंद हो गया, अब तो टेंट का बनता स्वागत द्वार, और केले का फल फल नहीं है, एक केले का फल पैकिंग हलवा है। और दूसरे वरदान दिया कि हे बृहस्पति मैं वरदान देता हूँ, दुनिया के जितने फल होंगे पकने के बाद रख दो तो सड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे फल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, केले में कभी कीड़ा नहीं पड़ता, वो सड़ जाता है लेकिन उसमें कीड़ा देखा होगा, ध्यान देना, नहीं देखा हो तो अब ध्यान देना। वो जो बालक समुद्र में उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया जलंधर। और जलंधर जो था किसी पंजाब की पावन धरा पर आया था। क्यों आया था? क्योंकि यहां पर एक दिव्य कन्या रहती थी, उस कन्या का नाम था वृंदा। वो कन्या नित्य संतों का सत्संग करती थी, गुरु ज्ञान लेती थी, उसने कुंवारेपन ही पतिव्रत धर्म का ज्ञान सीख लिया था, इसलिए उससे विवाह करने के लिए जलंधर कहीं रहने लगा। और वो अपने पति देव की सेवा करने लगी, इसका नाम था वृंदा, उसके साथ विवाह हो गया। जलंधर जो था उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु तब हो जब मेरी पत्नी का सत भंग हो जाए, तब तक न, इसलिए अजर अमर होकर के वो दुनिया में त्राहिमाम मचाने लगा, सारे देव परेशान हुए। तो वृंदा का सत भंग करने के लिए सब देवता एकत्र हुए, शिवजी से कहा आप युद्ध करो,
और विष्णु जी बोले मैं जाता हूँ वृंदा के साथ छल करने। उधर वृंदा अपने पति के अलावा किसी का दर्शन नहीं करती थी और वृंदा अपने पति के लिए फूलों का हार बना ही रही थी। अचानक विष्णु जलंधर का रूप धारण करके गए। वृंदा ने सोचा कि मेरे पति देव आ गए, विजय प्राप्त करके आए, उनको सीने से लगा लिया और इतना करते ही उसका सत भंग हो गया, हार पहना गया। उसको उसी समय शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया और जलंधर का सिर भी आंगन में जाकर गिरा। जब अपने पति को पहचाना तो कहा, अरे दुष्ट तू कौन है, तूने मुझे कैसे छुआ है। तब भगवान सुदर्शन चक्रधारी प्रकट हो गए, बोले मैं विष्णु हूं, तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है और ये मैंने तुम्हें छुआ इसलिए नहीं कि मेरा कोई रचनात्मक मन हो। तुम्हारे पति ने संसार में सबको दुखी कर रखा था, यहाँ तक देवों के देव महादेव की पत्नी को छीनने का प्रयास किया, इसलिए उसको दंड मिला। तभी वृंदा ने कहा, तुम इतने कठोर हृदय कैसे हो सकते हो, किसी पत्नी को विधवा कैसे बना सकते हो, पति से दूर कैसे कर सकते हो, तुम्हारा मन भी काला तन भी काला हो जाए, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम काले पत्थर की शिला हो जाओ। वही काले पत्थर की शिला बने विष्णु भगवान शालिग्राम। भगवान ने कहा, तू भी इतनी जड़ बुद्धि हो गई, जब कोई एक संसार के लिए दुख देने वाला अपने अपनी उंगली भी अगर शरीर का नाश हो रहा तो उसे काट देनी चाहिए शरीर बचाने के लिए, और एक व्यक्ति का कारण अगर पूरा देश दुखी हो रहा तो उसे मारने में कोई अपराध नहीं, इसलिए तू जड़ बुद्धि, तुझे भी श्राप देता हूं, तू पेड़ बन जा। तभी भगवान शिव आ गए, अरे रे तुलसी धन्य, हे तुलसी तुम धन्य हो, तुम बड़ी महान पत्रता हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो विष्णु का श्राप है वो मेरा वरदान बन जाएगा, तुम पेड़ तो बनोगी लेकिन तुलसी का वृक्ष बनोगी जो सब पौधों में पूजनीय आदरणीय होगा और ये शालिग्राम बनेंगे, तुम गंडकी नदी के रूप में भारत भूमि को पवित्र करोगी, जबकि गंडकी नदी वर्तमान में नेपाल में है और उस नदी में ये पत्थर रूप बन करके शालिग्राम पाए जाएंगे और जो तुम्हारा शालिग्राम का मिलन करा देगा, कार्तिक के महीने में तुलसा शालिग्राम का पूजन कर लेगी जो महिला, वो सदा सुहागिन रह करके अपना जीवन व्यतीत करेगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो तुलसी और शालिग्राम का विवाह करा देगा उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा। और शंकर भगवान तुलसी और शालिग्राम के विवाह की तारीख कौन सी है, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी। कभी भी जीवन में तुलसी की पूजा करो, आप अपने घर में शालिग्राम जरूर रखो और तुलसी की पूजा करते समय साल में कम से कम एक बार तो शालिग्राम तुलसी का मिलन कराना, साल में एक बार शालिग्राम और तुलसी का उस पौधे में। और कार्तिक में तो जब भी पूजा करो तो बिना शालिग्राम के तुलसी की पूजा मत करो, और शालिग्राम के साथ जब करोगी फिर देखना कितना फल मिलता है। शालिग्राम तो जानते होंगे, घर में होंगे भी नहीं है रखना, अगर तुलसी है तो शालिग्राम जरूर रखो, तुलसी के बिना शालिग्राम के बिना तुलसी अधूरी है और तुलसी के बिना शालिग्राम अधूरे हैं। विष्णु भगवान ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई मेरा भोग लगाएगा और तुलसी का पत्र नहीं डालेगा तो मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा, विष्णु भगवान की बात करते। इसलिए विष्णु जी कृष्ण जी राम जी को जब कभी भोग लगाए उस भोग में तुलसी का पत्ता मिल जाए, पत्ता ना हो सूखी हुई लकड़ी ही क्यों ना डाल दो, बिना तुलसी के 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। और तुलसी मैया की तुलसी का पौधा विष्णु प्रिय है, तुलसी का पौधा विष्णु प्रिय है, हर घर इसे लगाना, इसके बिना सब करते हैं समझो वेद पुराण बताना, इसके बिना सब करते हैं समझो वेद पुराण बताना। ओ तुलसी का पौधा विष्णु प्रिय है, तुलसी का पौधा विष्णु
से लगाना, इसके बिना शब्द चलते हैं समझो वेद पुराण बताना, इसके बिना शब्द चलते हैं समझो वेद पुराण बताना। जय जय तुलसी मैया, जय जय तुलसी मैया, जय जय तुलसी मैया, जय जय तुलसी मैया। Thank you.
तुलसी का पौधा विष्णु प्रिय है, तुलसी का पौधा विष्णु प्रिय है, हर घर इसे लगाना, या तुलसी को सिंदूर लगाना और पूर्णमासी को पूरा भोग लगा करके उनको चुनरी उड़ा के स्वागत करना, फिर देखना कि कार्तिक की पूजा आपको कितना धन वैभव प्रदान करे। कितना धन वैभव दे, आगे भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन आया। भगवान का पहला अवतार हुआ गृहपति अवतार। इस अवतार में भगवान ने संसार को दिखाने के लिए विश्वामित्र मुनि के घर जन्म लिया, और जब पता चला कि उम्र 12 वर्ष ही है, 12 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाएगी, तो फिर उन्होंने ऋषियों के द्वारा बताए मार्ग से ऐसा शिव पूजन किया, दुनिया को बता दिया कि किसी के घर में अगर अकाल मृत्यु होने वाली हो और वो विधान से शिव पूजन कर ले, समझ लो फिर अकाल मृत्यु टल जाएगी, और फिर मृत्यु उसकी तब होगी जब उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे और जाने का एक दिन समय आएगा, कभी अकाल मौत नहीं होगी। एक गृहपति अवतार में भगवान ने बताया, इसलिए गृहस्थों को चाहिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान का दूसरा अवतार हुआ दुर्वासा, और तीसरा अवतार हुआ पिपलाद, चौथा अवतार हुआ भगवान का एक भिक्षुवरी। भगवान की कुल 11वें अवतार में भगवान आती हैं, तो उनका 11वां अवतार है श्री हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, रुद्र अवतार हनुमान जी है, हनुमान चरित्र अलग है, लेकिन हनुमान जी महाराज जो है कि श्री वानर जो थे, अंजना माता उनकी माता का नाम था, ये दोनों से पूजा कर रहे थे। अंजना माता ने मांगा भगवान भोलेनाथ से कि मुझे शिव की शक्ति वाला, पति के रूप वाला, पवन की चाल वाला, राम की भक्ति वाला बेटा चाहिए, तो सभी गुण उन हनुमान जी में मिले। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महादेव नंदन। हनुमान जी महाराज की इन 11 अवतारों का थोड़ा संक्षिप्त वर्णन कल करेंगे, और कल ही हम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि अब कथा का समय शायद थोड़ा कम रहेगा। कितने दिन रह जाएंगे पता नहीं चला कि 8 दिन कथा करते ही हो गए ना, अभी नहीं हुए 8 हो गए ना, क्यों भाई 8 क्यों हुए, 8 के 30 निराले होते ये बोले 4-5 दिन में बताओ, इनका तो इरादा पंजाब में बसने का है। अब बात यह है सच में आप जैसे प्रेमी भक्त हों भगवान के ना, तब मेरा मन यूपी में जाने को करता ही नहीं। ऐसे ही आपको रोजाना हरि की कथा सुनाता रहूं, और भोजन पानी तो मिलता ही रहेगा, फिर चिंता किस बात की, कमरा भी मिला हुआ है, कलाकार भी तो लगता 5 ही दिन में, इनका भी लगता मन जाने का किसी का नहीं हो रहा है, अब तो यहाँ बसना ही बसना है। प्रेम की धरा है ये पंजाब में, प्रेम से भगवान को ही भगवान कहते हैं, और हम तो छोटे से थे ना, तो वो एक मीठी बोली होती थी हमारी यूपी में, उसको पंजाबी बोली बोलते थे मीठी, अब तो बंद हो गई शायद, पता नहीं मिलती नहीं, छोटी सी होती थी संतरे की तरह, तो हमारी जब व्यक्ति थी, फिर बाद में पता चला जब इधर से पंजाबी समाज वहाँ पहुँचा, इनकी मिठास इनका प्रेम देखकर हमने कहा इसीलिए इसका नाम पंजाबी रखा गया, क्योंकि इसमें मिठास इतनी है इतनी पंजाब में होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भजन होगा कि नहीं होगा, कन्हैया का कि शंकर जी का, कन्हैया जी का, अरे भैया चौथा तीसरा ठीक।